मैं तो सेकंड टाइम ही आ रहा हूँ अभी। अच्छा। मैंने एक 60 वाली थाली ऑर्डर की थी, वहाँ लिखा है ना उसमें दो नान, जो दो नान वाली थाली अच्छा था, राजमा दिया था, छोले दिए थे, कढ़ी चावल था और खीर थी और सलाद था और दो नान थे। ठीक है, और बेटर है। हाँ, और ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, बहुत अलग अलग, मतलब कम से कम 6-7 तरह के थाली है, मतलब अलग अलग ऑप्शंस रखे हुए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के करणपुर को स्टूडेंट्स हब कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए खाने के ऑफर चलते हैं। वहीं करणपुर स्थित नानक तुहाड़ा ढाबा में स्टूडेंट्स के लिए कई तरह की थाली परोसी जाती है। इनकी कीमत 35 रुपए से शुरू होकर 70 रुपए तक होती है, जिनमें आपको रोटी, छोले, राजमा, मक्खन, चटनी और सलाद मिल जाता है। दुकान के ओनर बताते हैं कि उनके छोटे भाई कुलविंदर सिंह ने 13 साल पहले थोड़ा ढाबे की शुरुआत देहरादून मंडी में की थी। वहां पर उनका खाना काफी पसंद किया जाता था। इसके बाद उन्होंने करणपुर में नानक द्वारा ढाबा के नाम से यह ढाबा शुरू किया। उन्होंने बताया कि उनके ढाबा पर 20 तरह की थाली परोसी जाती है, जिनमें 4 तरह की स्पेशल थालियां होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए है। इनकी कीमत 35 रुपए से शुरू होती है और 70 रुपए पे खत्म हो जाती है। त्रिलोक सिंह ने बताया कि थाली का अधिकतम रेट 135 है। देखो आप पूरा मेन्यू देखो, हमारे पास तो इसमें मतलब 20 तरह की थालियां हैं कम से कम। तो स्टूडेंट के लिहाज से 35 रुपए से शुरू है थाली हमारी, 35 से 135 तक में 20 थालियां हैं। 35 की है, 60 की है स्टूडेंट के लिए, 35, 60, फिर 60 वाली एक और है, 70 वाली है। उसके अलावा थोड़ी बढ़िया में जाओ, बढ़िया तो वो भी है पर जैसे रेट वाइज 80, 90, 100, 110, 120, 135, कई तरह की थालियां हैं और वैरायटी में बहुत कुछ है इसमें। 35 की थाली में क्या क्या दे रहे हैं आप? 35 की थाली में दो रोटी तंदूरी, छोले या राजमा, चटनी, सलाद 35 में। और 60 में हम देते हैं दो नान, छोले, राजमा, कढ़ी, चावल, खीर, बाकी चटनी, सलाद, मक्खन वो तो होता ही है सब।